आप लोग इधर देखिए, 6% का रिटर्न मात्र एक ही दिन के अंदर, 6% का रिटर्न। अब इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसी बात पे मैंने ये स्टॉक आपको एक महीने से ही बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा भागने वाला है स्टॉक, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट है एंड ये सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो आप इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हो। एंड मैं बात और करूँ कि आप एक महीने के अंदर, तो एक महीने के अंदर 21% का रिटर्न, जब स्टॉक इधर ही था 86 रुपये के आसपास था, तभी मैं आपको बोल रहा था कि इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। आज जो इसका प्राइस चल रहा है 110 रुपया चल रहा है, तो और देख सकते हो आप लोग ऑलमोस्ट 30 रुपये का रिटर्न दे दिया, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे यार। बट आप लोग मेरी बात सुनते कहाँ हो, बस खाली वीडियो देख के चले जाते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो। बट ये स्टॉक बहुत अच्छा, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट स्टॉक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टॉक है। आप इसमें पैसा लगा सकते हो एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आपको 10-15% का रिटर्न ऐसे ही मिल जाएगा। एंड मैं बात करूँ 1 साल का, तो आप लोग देख सकते हो 1 साल के अंदर 142% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड मैं बात करूँ इधर 6 महीने के अंदर, तो 175% का रिटर्न प्रोवाइड किया था 6 महीने के अंदर, एंड 1 साल के अंदर 142% का रिटर्न प्रोवाइड किया था। एंड मैं थोड़ा और इसमें बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो इसका मार्केट कैप है ये 91 करोड़ रुपया है, तो मार्केट कैप बहुत कम है, तो इसमें ज़्यादा पैसा मत लगाना क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है। आप इसमें 1,000 कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा मत लगाना। यदि ज़्यादा पैसा लगाना भी, तो आप इसको स्टॉप लॉस लगा के चलना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टॉक है, आपको रिटर्न बना के ही देगा कुछ ना कुछ परसेंट। एंड जो हाई बनाया था 110 रुपये का हाई बनाया था, आप लोग देख ही सकते हो। एंड जो लो बनाया था वो 30 रुपये का बनाया था, 52 वीक में जो लो बनाया था। तो मैं बात करूँ इस स्टॉक का नाम क्या है, तो आप लोग इधर देख ही सकते हो, आपको ये पता भी होगा ये इस स्टॉक का नाम, तो आप इसे इधर देख ही सकते हो एंड गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च कर लेना इस स्टॉक के बारे में, तभी इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये स्टील सेक्टर का स्टॉक है। अभी स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो मार्केट कैप बहुत कम है। किसी भी स्टील सेक्टर का मार्केट कैप ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सब के लिए मार्केट कैप ज़्यादा ही रहेगा, उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, तभी वो स्टॉक आने वाले समय में पैसा कमा के ज़्यादा देगा लॉन्ग टर्म में। अभी तो स्टील सेक्टर का बूम है, इसीलिए ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है, आगे भी रिटर्न देगा क्योंकि फंडामेंटली करेक्ट है। आप इसमें स्टॉप लगा कर चलना। आप लोग इधर देखिए, 6% का रिटर्न मात्र एक ही दिन के अंदर, 6% का रिटर्न। अब इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसी बात पे मैंने ये स्टॉक आपको एक